आप लोगों को सुनाई तो दिया ही होगा, मुझे कम सुनाई दे रहा था। आवाज को थोड़ा लाउड कीजिए, आप देश के लिए बोल रहे हैं, देश के बारे में बोल रहे हैं, उसकी उन्नति के बारे में आप बात कर रहे हैं, तो आवाज थोड़ा लाउड होना चाहिए। जोर से बोलिए ताकि सभी के जहन में बैठ जाए, दिल में बैठ जाए और दिमाग में भी घुसे, ठीक है। अब थोड़ा शांत रहिएगा, जिनको जिनको जलेबी चाहिए। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको बहुत बार बोल दो, बहुत बार समझा दो, बहुत बार कह दो, बहुत बार डांट दो, बहुत बार मार दो, कहाँ है प्रेम? प्रेम आइकन है हमारे स्कूल के। मतलब इनके साथ ऐसा कोई व्यवहार नहीं हुआ होगा जो हम लोग उसको ठीक करने के लिए न किए हो, लेकिन सब फेल हो गया। शांत रहिए, तो सकते हैं कि सबसे बच्चों यहाँ आ गया। बात बोल रहे हैं, हंसी भी आएगी, मजा भी आएगा। वक्त बहुत कम है, 11 बजने जा रहा है। तो जो प्रेम है उसके बारे में हम बहुत कंफ्यूज रहते थे कि आखिर ये बच्चा कुछ पढ़ता क्यों नहीं। ऐसा भी नहीं है कि मेंटली कमजोर है, ऐसा भी नहीं है कि फिजिकली कमजोर है। फिजिकली में तो बात ही मत कीजिए, छोट फाड़ देगा किसी को। तो इसमें कमी कहाँ रह जा रही कि ये पढ़ नहीं रहा है। तो मेरा दिमाग लगा घर में क्या होता होगा, इस घर में पढ़ने वाला माहौल नहीं होता होगा, है ना। क्योंकि एक होता है कि आप देखिए, बच्चों को हम लोग बहुत कुछ सिखाते हैं, बचपन से सिखाना शुरू करते हैं। हम लोग सिखाते हैं बच्चों को, देखो झूठ नहीं बोलना चाहिए, सब सिखाते हैं। कौन नहीं सिखाते? अपने भाई बहन को तुम लोग सिखाओगे जो छोटा होगा कि झूठ नहीं बोलना चाहिए। पेरेंट्स टीचर्स अपने बच्चों को सिखाती होंगी कि झूठ नहीं बोलना चाहिए। सब सिखाते हैं ना जी, कौन नहीं सिखाता, हर कोई सिखाता है। लेकिन जब मम्मी पापा का मन नहीं रहता है और कोई अनवांटेड गेस्ट आ जाते हैं, तो उसी बच्चे को जिसको हम सिखा रहे होते हैं कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, उसको बड़े प्रेम से बोलते हैं, जाओ बोल दो कि पापा जो है या मम्मी जो है वो घर पे नहीं। क्या बात है, एक तरफ से हम उसको सिखा रहे हैं कि झूठ नहीं बोलना चाहिए और दूसरे तरफ से हम सिखा रहे हैं कि झूठ बोलो। देखिए, आप सिखाए नहीं है बच्चे को, बच्चा ऑब्जर्व कर लिया। क्योंकि सबसे ज्यादा जो टेंडेंसी होता है ऑब्जर्व करने का, किसी चीज को समझने का, देख करके ऑब्जर्व करने का, ये टेंडेंसी बच्चों में सबसे ज्यादा होता है। और हम लोग सिखाए नहीं उसको कि झूठ नहीं बोलो, हम लोग तो अभी भी सिखा रहे हैं कि झूठ मत बोलो। लेकिन आपका भी तो होना चाहिए ना, आप क्या कर रहे हैं, आप तो खुद ही बोल रहे हैं कि झूठ बोलो, तो बच्चा सीख जाता है। तो आप इसको एक नजरिए से देखिए कि हाँ, बच्चा झूठ बोलना सीख लिया। एक चीज और बच्चा सीख लिया आपसे, शायद उस पर कोई नहीं सोचा होगा। क्या सोच लिया बच्चा? अपने काम से भागना सीखा। और सिखाने वाले कौन? तो आप। सिखाया कौन बच्चों को अपने काम से भगाना? कौन सिखाया? पेरेंट्स। क्योंकि कोई काम होगा, वो आदमी आया और आपने बोल दिया कि नहीं ये बोल दो, मतलब कि बच्चे को आप सिखा रहे कि आप अपने काम से भागो। तीन चीज सिखाया बच्चों को, झूठ बोलना, अपने काम से भागना और जरूरतमंद की मदद न करना। क्योंकि कोई भिखारी आता है तो बोल दो कोई नहीं है घर से, अरे 2 रुपया 4 रुपया दे देंगे तो क्या हो जाएगा। तो हम लोग बच्चों को सोचते भी नहीं है कि नहीं सिखा रहे हैं, लेकिन बच्चे सीख जाते हैं। कारण सिर्फ एक है, क्योंकि बच्चों में ऑब्जर्वेशन की टेंडेंसी सबसे ज्यादा होती है। वो ऑब्जर्व कर लेते हैं कि पापा ऐसे किए, मम्मी ऐसे किए, तो हम भी करेंगे। दूसरा चीज, आप बच्चों को जो बोलिएगा नहीं करना है ना, बच्चे वही करेंगे। एक रूसो नाम के बहुत बड़े फिलोसफर थे, जो 17 या 18 सेंचुरी में आए थे, दार्शनिक उनको कहते हैं, फिलोसफर को दार्शनिक। उन्होंने कहा था कि बच्चों को खुद से सीखने दो। आप देखे होंगे, एग्जाम्पल के तौर पे आप इसको ले सकते हैं कि जब एक गर्म आयरन पड़ा होता है घर में, प्रेस करने वाला आयरन घर में पड़ा होता है, और बच्चा जाकर के उस आयरन को छूता है तो उसे गर्म लगता है, और उसके बाद वो समझ जाता है कि अगर दोबारा इसको छुएंगे अगले दिन से वो बच्चा उस आयरन के आसपास भी नहीं भटकता। नहीं ना भटकता, कभी नहीं भटकेगा। अगर वो आयरन ठंडा है कभी नहीं भटकेगा। क्यों? क्योंकि डर है उसके अंदर कि ऐसा होगा तो ऐसा होगा। लेकिन आज हम लोग छोड़ नहीं सकते बच्चों को। क्यों नहीं छोड़ सकते बच्चों को कि भाई अपने से सीख जाए? नेचर के कारण, आई मीन टेक्नोलॉजी के कारण। आज टेक्नोलॉजी,
बगल में बंदूक पड़ा है, बच्चे सोचते हैं कि इसको चला के देखते हैं। अगर आपको उसको चलाने दे दिए तो समझ लीजिए कि कुछ ना कुछ होने वाला है ना। तो देखिए, हम लोग बहुत कुछ सोचते हैं कि बच्चों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, बच्चों के कैसे संभालना चाहिए। जो प्रेम है, प्रेम इधर ध्यान नहीं दे रहा होगा, हमको पता है, लेकिन जब नाम लेते हैं ना तो जरूर ध्यान देता है, क्योंकि उसके बारे में बात हो रही है। वो सब कुछ अच्छा है, फिजिकली स्ट्रांग है, मेंटली स्ट्रांग है, सब तरीके से अच्छा है, पढ़ता क्यों नहीं है? प्रेम पढ़ते क्यों नहीं हो तुम, बताओ? पढ़ते क्यों नहीं हो, कारण क्या है तुम्हारा नहीं पढ़ने का? हाँ, हम लोग ऐसा भी नहीं कि मेहनत कम करते हैं, पढ़ाते तो हैं ही। तो वही घर, एक घर भी होता है फैक्टर, हम देखे हैं इस चीज को, फील किए, घर भी एक फैक्टर होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और उसके घर की एक नंदनी है, वो ठीक पढ़ती है, लेकिन उसी के घर का एक प्रेम है जो एकदम नहीं पढ़ता है। तो डिफरेंसेस है कहीं ना कहीं, लड़कियों को ज़्यादा बोला जाता होगा इसलिए भी, डिस्क्रिमिनेशन तो पेरेंट्स करते ही हैं, मम्मी घर जाती हैं, पापा घर जाते हैं, तो वो बच्चों को, लड़की को, लड़के को कुछ नहीं बोलते, लड़कियों को बोलते हैं, सुनो तो पापा आए एक गिलास पानी दे दो। लड़कों को नहीं बोला जाता कि एक गिलास पानी दे दो, लड़कियों को जरूर बोला जाता है, रोटी बनाने के लिए, झाड़ू पोछा करने के लिए, सबके लिए बोला जाता है। आखिर क्यों, क्यों डिस्क्रिमिनेशन क्यों हो रहा है? आवाज उठाओ तो एक दो थाप लग जाता है, लग जाता है, क्यों लड़की क्यों करेगी? कहीं लिखा हुआ है, कहीं वेद, कहीं पुराण, कहीं कहीं उपनिषद, कहीं कुछ भी लिखा हुआ है कि लड़कियां ही करेंगी। एक कल का बहुत अच्छा एग्जांपल देते हैं आपको, सुरुचिका मैम हमारे कॉलेज में, जिस कॉलेज में मैंने एडमिशन लिया है, उस कॉलेज में सुरुचिका मैम है, शी इज एन आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर, ठीक है। उन्होंने बोला कि लड़कियों के लिए जो प्रोजेक्ट वर्क है एक साल के लिए, वो है निटिंग का, स्वेटर बुनने का। तो मैम ने बोला कि किनको किनको सीखना है, मैंने अपना हाथ उठा दिया, सब हंसने लग गए, हमको क्या था। फिर मैम ने बोला कि लड़कों के लिए है कि चादर पे पेंटिंग करना है, बोला कि किनको किनको करना, मैंने अपना हाथ उठा लिया। फिर उसी तरह से एम्ब्रॉयडरी करना है, तो मैम ने पूछा किनको किनको करना है, तो फिर मैंने हाथ उठा दिया। तो मैम ने मुझे सराहा, अप्रिशिएट किया, मुझे ये नहीं बोला कि ये तुम्हारा काम नहीं है। मैम ने मुझे बोला कि मैं देखना चाहती थी कि कितने यहाँ पर हैं जो क्रिएटिव माइंड्स हैं। सो एक मेरे लिए एक बहुत अच्छा मैसेज है, क्रिएटिव माइंड ही क्रिएटिव माइंड को डेवलप कर सकता है। बच्चे जो होते हैं ना, वो क्रिएटिव माइंड्स होते हैं, वो अगर स्टडी में अच्छा नहीं है तो किसी किसी ना किसी चीज़ में ज़रूर अच्छा होगा, मारपीट में अलावा, उसके अंदर कुछ ना कुछ होगा ही, आज नहीं पता चल रहा है हम लोगों को, लेकिन बाद में पता चलेगा, कुछ ना कुछ तो अच्छा होगा ही उसमें। बच्चे क्रिएटिव माइंड्स होते हैं, और हम लोग का ये फर्ज है, हम टीचर्स का ये फर्ज है कि उन क्रिएटिव माइंड्स को और क्रिएटिव बना करके रखे। यही आज टीचर के लिए मैसेज है, क्रिएटिव टीचर कैन क्रिएट, कैन डेवलप ऊपर कर देता। तो आप सभी लोगों के लिए एक छोटा सा स्टोरी है, छोटे बच्चे तो नहीं समझ पाएंगे क्योंकि वो लोग खुद में ही कहीं मग्न है, जो बड़े बच्चे हैं वो जरूर समझेंगे इस चीज़ को। और जो आप लोग बोलते हैं ना कि मेरे साथ ही ये स्ट्रगल क्यों होता है, मेरे ही साथ क्यों ऐसा हो रहा है, भगवान मेरे ही साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, बार बार सभी बोलते हैं, एक छोटी सी स्टोरी सुनिएगा, शायद आप लोग के जहन को, दिल को छू जाए, अंदर तक आपको समझ में आ जाए कि आखिर भगवान क्यों करते हैं आपके साथ। अबे छोटे, बुला लीजिए पेरेंट्स को भी, हम उनको भी सुनाने के लिए रेडी है स्टोरी, हमको कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो स्टोरी कुछ ऐसे है कि मूर्तिकार, आप लोग समझते होंगे मूर्तिकार, जो मूर्ति बनाता है ना, तो एक्चुअली में वो मूर्तिकार एक जंगल से पास कर रहा था, जंगल समझते हैं ना, जंगल समझता है, जंगल समझते हो, मूर्ति का जो मूर्ति बनाता है, स्टोरी ऑफ जंगल, जंगल है मंगल, और वो कहां से पास कर रहा था, जंगल से पास कर रहा था। तो एक बहुत अच्छा पत्थर उसको दिखाई दिया, बड़ा सा, क्या दिखाई दिया, पत्थर दिखाई दिया। वो सोचा कि क्यों ना इससे मूर्ति बनाया जाए, क्योंकि पत्थर से ही मूर्ति बनता है, तो सोचा गया कि पत्थर से, इस पत्थर को हम मूर्ति में तब्दील कर सकते हैं, वो कलाकार, मतलब कि क्योंकि मूर्तिकार है तो वो एक कलाकार है, कला जानता है पत्थर को मूर्ति में बदलना।
तो वो क्या किया, अपना निकाल लिया छेनी हथौड़ी, क्योंकि उसी से ठोक ठोक के बनाएगा। अब जैसे ही वो छेनी हथौड़ी निकाला, पत्थर डर गया, पत्थर डर गया और चिल्लाने लगा, नहीं नहीं मेरे साथ ऐसा नहीं करो, तुम किसी और पत्थर को ढूंढ लो, तुम किसी और पत्थर को ढूंढ लो। तो बोला ठीक है भाई, इसको जब नहीं बनना है मूर्ति तो छोड़ो, आगे चलते हैं। आगे एक और पत्थर दिखाई दिया उसको, मूर्तिकार है। ये आर्टिस्ट लोग बड़ा बड़ा अजीब दिमाग का होता है, जहां मन आता है। देखो पेंटर को देखोगे, कहीं पे भी पेंटिंग शुरू कर देगा, है ना। गाने वाले को जो गाना गाता है, कहीं पे भी गाना शुरू कर देगा। ड्रामा वाला, ड्रामा का कोई चीज नहीं लेकिन ड्रामा शुरू कर देगा, है ना जी। एक्टर ड्रामा कंपनी है। तो वही है कि वो वो जो था मूर्तिकार था, वो आगे गया, दूसरा पत्थर उसको दिखाई दिया, छेनी हथौड़ी निकाला, और जब वो छेनी हथौड़ी निकाला तो उसको कोई आवाज सुनाई नहीं, बता रहे हैं। तो वो उस पत्थर से मूर्ति बना दिया। अब वो मूर्ति बना दिया तो मूर्ति बनाने में कितना छेनी हथौड़ी लगा हुआ, कितना दर्द हुआ होगा उसको। अब क्या हुआ कि वो जो मूर्तिकार था वो गया कहां, गांव गया अपने, वहां मंदिर तैयार था, वहां पे जो मंदिर में जो मूर्ति लगाना था, तो वो जो मूर्तिकार आया तो लोगों ने कहा उससे कि भाई मूर्तिकार एगो मूर्ति चाहिए, अब हमको तुमसे मूर्ति बना दो। तो अब क्या हुआ कि वो मूर्तिकार जो था बोला कि मैंने तो एक मूर्ति बनाया है जंगल में, तुम उसी को ले आओ। वो गया जंगल से मूर्ति को उठा करके, वो लोग जो थे गए मूर्ति उठा करके ले आ। अब मंदिर में आप लोग को पता है कि एक मूर्ति होता है, एक पत्थर जिससे मूर्ति बनता है, और दूसरा पत्थर जिसमें नारियल फोड़ा जाता है, है ना जी। नारियल फोड़ा जाएगा ना जी, शुभ काम है, नारियल तो फूटना ही चाहिए। तो क्या हुआ कि मूर्तिकार से बोला कि एक नारियल फोड़ने के लिए भी एक पत्थर चाहिए। बोला कि हाँ हाँ मैंने एक पत्थर और देखा था, वो उस पत्थर को ले आता है जो मूर्ति बनने से इनकार कर देता है। अब वो पत्थर रख गया, रोज रोज क्या हो रहा, नारियल फिर फूट रहा है, रोज नारियल फूट रहा है, एक का पूजा हो रहा है दूसरे का नारियल। तो जो नारियल फूट, जिस पे नारियल फूट रहा था, वो पत्थर पूछता है मूर्ति वाले पत्थर से कि भाई एक बात बताओ, मैंने ऐसा कौन सा काम किया था जो कि मुझ पे इतना जुल्म हो रहा है, और तुमने ऐसा कौन सा काम किया था कि तुम्हारा पूजा किया जा रहा है। तो मोरल तो आपको समझ में आ गया होगा, पूछना कि असली कहानी है। अगर आप आज आज आपका है, अगर आज आप स्ट्रगल नहीं कर रहे हो, अगर आज आप पे कुछ हो रहा है, आपको बनाने की कोशिश की जा रही है, आपको किसी ढांचे में ढालने की कोशिश की जा रही है, अगर आप उससे आज इनकार कर दीजिएगा तो आने वाले कल में आपके साथ सिर्फ जुल्म होगा और कुछ नहीं होगा। तो इन वर्ड्स के साथ मैं समाप्त करना चाहूंगा। आप उधर से लाइन बना के पहले मौका छोटे बच्चों को दीजिएगा। तो हाँ, मोरल ये भी है कि जो टीचर्स कर रहे हैं, जो पढ़ा रहे हैं आपको, आप जा रहे सर।